दोस्तों आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे पहली बात है, मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद न करें। आचार्य चाणक्य हमेशा कहते थे कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर हमेशा कमजोर कर सकते हैं। दूसरी बात है, अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं। बहुत बार अगर ऑब्जर्व करोगे अपने समाज में, आसपास पड़ोस में, बहुत सारे लोग देखोगे कि अपने नजदीकी जो रिश्ते हैं उनमें अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हैं, जो उन्हें बाद में बहुत बड़ी महंगी साबित होती है। और तीसरी बात है, आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा, धन दौलत, वैभव होने के बावजूद भी वे कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन जाता है। ये किस कारण होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे एक दोष के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो, आप पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा ना, तो वो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे कि नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दे, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। और चार नंबर की बात है, धन को हमेशा सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। ये वाक्य तो आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम कंगाल है। बात बिल्कुल पते की है कि बिना धन के न इज्जत है, न ही सुख है, ना तो समृद्धि है। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। पांच नंबर की बात है, बदनामी से हमेशा डरे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होके जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देता है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना ही होना चाहिए। अगर ये डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख जो है ना, वो बदनाम होना ही होता है। ये आदमी को जीते जी हर पल मरवाता है। जिंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीनी पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए ना, तो फिर वापस आप लोगों की नजर में पहले जैसे कभी भी नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेना है तो हजार बार उसके बारे में सोचो और उसी के बाद में करो। और छह नंबर की बात है, जिंदगी में हमेशा आलस्य को त्याग देना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि आलसी व्यक्ति का ना तो भूतकाल होता है, ना तो वर्तमान होता है, ना तो भविष्य होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में 100% लोग है, बट 100 में से 20% लोग ही सफल बन पाते हैं, 80% लोग असफल है। इसकी वजह सिर्फ आलस करना ही है। और सात नंबर की बात है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बात ना सुने ना, उस पर तो कभी भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें भी करते हैं, आपने अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात रखी हो और वो उसे गौर से सुनने की बजाय अनदेखा कर दे, तो समझ लेना कि ये इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ में शेयर कर सकते हो, हर किसी को बता सकते हो। आठ नंबर की बात है, अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से कभी भी दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में रहोगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने का सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होगे तो ऐसे मित्र आपकी कभी भी मदद नहीं कर पाएंगे। वही आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से अगर आप दोस्ती करोगे तो हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहोगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं होगा। अगर मुसीबत के समय में कभी वो आपकी हेल्प ना कर पाए, आपकी मदद ना करे, तो अपनी मित्रता पर आपको गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही होना चाहिए। और नौ नंबर की बात है, वर्तमान में हमेशा जीवन बिताना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य की हमें चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है ना, तो हमेशा आज में जिए। आपके पास न तो आने वाला कल है और न ही बीता हुआ कल।
आपके पास बस एक ही चीज है, वो है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करना छोड़ दीजिए। इसलिए आपके हाथ में केवल आज है, इसी में जिए, वर्तमान में हमेशा जिए। और 10 नंबर की बात है, खुश रहना है ना, तो लगाव से हमेशा दूर रहो। आप मानो या ना मानो, पर अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी है, अपने पड़ोसी के कारण दुखी है, आसपास के लोगों के कारण दुखी है। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वो व्यक्ति दुखी रहता है, और इस दुख का कारण है लगाव, मोह। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है ना, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ है लगाव, मोह। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो ना, तो आप माया मोह के चक्र में फंस जाते हो, और यही आपके दुखों का कारण होता है।